बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में हमें सबसे पहले इस डायग्राम पे नज़र दौड़ानी पड़ेगी, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे लीफ मौजूद है जो सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म कर रही है। और इस नतीजे में वाटर और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज़ हो रहे हैं। सूरज की रोशनी, सनलाइट जो है वो लीफ एब्जॉर्ब कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के ज़रिए दाखिल हो रहा है, और जो वाटर है वो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये इस तरह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है। व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यूज लाइट एनर्जी टू मेक शुगर एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉफ्स स्टोर द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू शुगर। इस प्रोसेस में प्लांट्स और दूसरे ऑटोट्रॉफ जैसे बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को ट्रैप करके रखते हैं शुगर के अंदर। रिक्वायर्ड सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, पहले भी डिस्कस हो चुका है। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और इसकी ओवरऑल इक्वेशन जो है वो हमने पहले भी डिस्कस की थी और अब दोबारा से यहाँ पे इस पेज पे भी डिस्कस हो रही है। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली लीफ में परफॉर्म होती है, और लीफ में किस जगह मौजूद होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं थाइलोकॉइड। इस थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, और ये क्लोरोफिल जो होते हैं वो क्वांटासोम की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसमें 230 किस्म के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ कैरेटोनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, क्लोरोफिल बी और दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंजाम देते हैं। अकर्स इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये अभी मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया है। लीव में, ये लीव की एनाटॉमी है, ये लीव का क्रॉस सेक्शन है, ये मीजोफिल का एरिया है। इस मीजोफिल के एरिया में पैलिसेड पैरेन्काइमा है और स्पंजी पैरेन्काइमा है। पैलिसेड पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और स्पंजी पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है। डाइकॉट में ज़्यादातर जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा लूजली अरेंज है, और ये लूजली अरेंज है तो यहाँ से कौन सा प्रोसेस हो रहा है? वाटर की एवोपरेशन हो रही है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट। स्टोमा, स्टोमा एक को कहते हैं, सिंगुलर को स्टोमा कहते हैं। ये स्टोमा है, ये गार्ड सेल है, ये लोअर एपिडर्मिस है, ये स्पंजी पैरेन्काइमा है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और ये अपर एपिडर्मिस है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है कि ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है बल्कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इस डायग्राम में हमने होते हुए देखा। स्ट्रक्चर और लोकेशन देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट की ये लीव है, ये लीव का क्रॉस सेक्शन है, ये लीव का क्रॉस सेक्शन है। इस लीव के क्रॉस सेक्शन में ही आपको ऊपर की तरफ पैलिसेड पैरेन्काइमा नज़र आ रहे हैं, और नीचे की तरफ क्या नज़र आ रहे हैं? स्पंजी पैरेन्काइमा नज़र आ रहा है। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद है, ये स्टोमेटा ओपन है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ दाखिल होती हुई देखी जा सकती है, और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ रिलीज होती हुई देखी जा सकती है। ये क्लोरोप्लास्ट है पूरा, और इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे ये ग्रेन है, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, जब स्टैक की फॉर्म में होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? ग्रेना। थाइलोकॉइड, ये एक थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये दूसरी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है, ये तीसरी थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन है। ये स्टैक फॉर्मिंग रीजन क्या कहलाता है? ग्रेना। एक ग्रेना और बहुत सारे ग्रेना, ये एक ग्रेना, ये दूसरा ग्रेना, और ये स्ट्रोमा है। ग्रेना में लाइट रिएक्शन होता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। ये हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये अभी मैंने आपको समझाया था, एक ग्रेना और एक से ज़्यादा ग्रेना। ये
ये थायलोकॉइड मेम्ब्रेन स्टैक की फॉर्म में मौजूद है। जब स्टैक की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, ग्रैनम, और एक से ज़्यादा ग्रैनम। ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा है। आउटसाइड द थायलोकॉइड एक फ्लोइड मौजूद है जिसे हम स्ट्रोमा का नाम दे रहे हैं, जिसमें डार्क रिएक्शन होगा, यहाँ पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये थायलोकॉइड है, ये थायलोकॉइड कंपार्टमेंट है, ये थायलोकॉइड के बीच में, थायलोकॉइड के अंदर जो कंपार्टमेंट है उनको थायलोकॉइड कंपार्टमेंट का नाम दिया। आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये मीजोफिल सेल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। मीजोफिल सेल्स क्या क्या होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। अब ये पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा में आप देख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया है। ये पैलिसेड पैरेन्काइमा और ये बीच वाले कौन से हैं, स्पंजी पैरेन्काइमा, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है।